हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के दौरान सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, ठीक है? इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने अपनी जान दे दी, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, मेरे प्रियजनों, ठीक है? सिर्फ हम सभी के पापों के कारण मेरे प्रियजनों जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, मेरे प्रियजनों, ठीक है? और हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हुआ जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, मेरे प्रियजनों, ठीक है? यदि आप दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, परेशानियों में है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं हैं। हमें प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकताएं हैं, हमें प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना में हमें कमजोर नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि शैतान तो फाड़ने वाला भेड़िया है, भेड़िया मेरे प्रियजनों, वह इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, नोच खाए, मेरे प्रियजनों, वह फाड़ने वाला भेड़िया है, भेड़िया। हम सभी को तैयार रहना है, हम सभी को पापों में, गलतियों में, गुनाहों में नहीं सोना है। यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, मेरे प्रियजनों। जब हम सभी से पाप गलती गुना हुआ है तो आज हम सभी को पापों को मानना है, स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है। परमेश्वर हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा करेगा, मेरे प्रियजनों। वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसी के पास क्षमा का अधिकार है। वह हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकता है, मेरे प्रियजनों, ठीक है? उसका लहू बहुत ही कीमती है, उसने अपना लहू बाकी हम सभी को मोल खरीदा है, मेरे प्रियजनों। मेरे परिजनों, एलिया था, एलिया की पहली प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसने सातवीं बार प्रार्थना की, उसने सात बार प्रार्थना की और सातवीं बार मेरे परिजनों वर्षा आई, बारिश होने लगी। हम सभी को विश्वास करना है, एक बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, दो बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तीन बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, चार बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, पाँच बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, छः बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो सातवीं बार प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम से। बस हम सभी को प्रार्थना में बंद रहना, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, बेचैनी में नहीं जाना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास में खड़े रहना है, विश्वास में मौजूद बने रहना है, मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह हम सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने हिसाब किताब से प्रार्थना का उत्तर देता है। हम सभी को बार बार प्रार्थना करना है, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तब तक हमें परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको क्यों ना देगा, मेरे प्रियजनों, वह क्यों ना देगा, मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह का तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से या इस पेड़ से कह देगा, उखड़ कर उस स्थान पर चला जा, तो वह तेरी बात मान लेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी को विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, मेरे प्रियजनों। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास करना है। हर मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के लिए उसे विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह है, वह जिंदा है, वह हमारे जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे जीवन में काम करेगा, मेरे प्रियजनों। हम सभी को ऐसा विश्वास करना है, ठीक है? संदेह नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उछलती हैं, बहती हैं, जितनी तेजी से वह आती हैं उतनी तेजी से वह चली जाती हैं। हम सभी को संदेह नहीं करना है, हम सभी को परमेश्वर के कामों पर संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है। जो मांगा है वो परमेश्वर हमें देगा, पूरा करेगा। यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा है यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो परमेश्वर हम सभी को अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार अंतिम दिनों में फिर से जिला उठाएगा, मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को विश्वास करना है। जो पाप गलती ही गुनाह होते हैं तो आज आपको परमेश्वर से मां बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा करेगा। विश्वास करना है, विश्वास
करना है। परमेश्वर अपने जीवन में काम करेगा मेरे प्रियजनों। मतलब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको उस परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी बीमारियों को, आपके दुखों को जड़ से खत्म करेगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है जो मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया हूं जो तुम्हारी प्राणों को सुन न सकूं, बस तुम्हारे गंदे कामों ने, तुम्हारे घिनौने पापों ने तुमसे मुझे अलग कर दिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उसके सामने वही लोग ठहर सकते हैं जो पवित्र होंगे, जो संसार से निष्कलंक होंगे, जो धर्मी होंगे। मेरे प्रभु जो पवित्र होंगे वही उसका चेहरा देखेंगे परमेश्वर का। मेरे प्रियजनों ठीक है, यीशु मसीह ने कहा धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसके अपराधों को ढाप दिया गया है, धन्य कहा है यीशु मसीह ने उसको। मेरे प्रियजनों परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 1:1 में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियजनों धन्य और पवित्र यीशु मसीह ने उस पुरुष को कहा है जो पुरुष संसार के लोगों से अलग रहता है, पापों में, बुराइयों में नहीं जाता है, नहीं बैठता है, बुरी संगत में नहीं बैठता है। धन्य और पवित्र कहा है यीशु मसीह ने उसको। यीशु मसीह ने उस वृक्ष के समान ठहराया है जो नालियों के, जो नालियों में लगाया गया हो, जो नालियों के पास लगाया गया हो, वह हरा भरा ही रहता है। मेरे प्रियजनों उसकी डालियां नहीं सूखती हैं, वो उसकी डालियां नहीं मुरझाती हैं। मेरे प्रियजनों यदि एक पेड़ होता है, यदि पेड़ से डाली टूट जाती है वह सूख जाती है, उसी प्रकार से यदि हम यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम सूख जाते हैं, हम सूख जाएंगे। मेरे प्रियजनों हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों हम सभी को यीशु मसीह में बने रहना है, उसके प्रेम में, उसके वचनों में बने रहना है, और जो कुछ हम यीशु मसीह से मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों इस प्रार्थना को आपको आंख बंद करके सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और यीशु मसीह अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता महान है प्रभु, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, प्रजाओं की राजा हैं आप प्रभु की। प्रभु मेरे पिता, मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा पिता, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा मेरे स्वामी, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे प्रभु। कितने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं पिता, जहाँ का धुआं युगान उठता रहता है पिता। जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है पिता, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, अनंत काल का जीवन पिता आपने दिया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है पिता। आपने कहा है यीशु मसीह मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेके पुकारा है, तू मेरा ही है मेरे पिता। आपने कहा है प्रभु मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा मेरे पिता। मेरे प्रभु इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, जो अपने पंख की आड़ में छिपा के रखते हैं पिता, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे जो बेड पर पड़े हैं पिता, जो रो रहे हैं बिलख रहे हैं चिल्ला रहे पिता, जो आखिरी सांस ले रहे हैं पिता मेरे प्रभु, जो अपनी खाट अपने आंसुओं से भिगोते हैं मेरे पिता, जिनके कैंसर गलटियां रसौलियां पथरी अन्य प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, यीशु मसीह हम चाहते हैं पिता यीशु मसीह आपके नाम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हरे गलटियां रसौलियां पथरी अन्य प्रकार की बीमारियां जाए इनके शरीर से पिता, वो चंगारी लीच कर नहीं पाए, आजादी को रसीब पर बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता आपने कहा मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा मेरे पिता, आप टच कीजिए पिता, आप हमको पवित्र कीजिए पिता, हम सभी जनों को पवित्र कीजिए पिता मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भाई पिता गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं है पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता, 1000 रुपए पर पिता, ये मसीह भाई पिता अन्य जाति से उधार ले रहे पिता, सहायता ले रहे पिता, ये अन्य जाति से उधार न लेने पाए पिता मेरे प्रभु, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे, यीशु मसीह हम मांगते हैं, ढूंढते खटखटाते इन तमाम मसीह भाइयों के लिए पिता, इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को आप दूर कीजिए, आप दूर करने परमेश्वर हैं, इनके हाथ मांगने नहीं इनके हाथ देने ले हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक के पिता मेरे प्रभु, इनके घरों के पिता उस स्वर्ग के झरोखे खुल जाए पिता, वो बंद से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया मेरे पिता। आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते यीशु पिता मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन बहनों के लिए पिता, पिता जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, इन्हें पुत्र पुत्रियां चाहिए पिता, हम नहीं जानते पिता क्या समस्या क्या दिक्कतें पिता, जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से वे समस्याएं जाए पिता, बहने आजाद होने पाए प्रभु। जिस प्रकार से यीशु मसीह आपने सारा को बच्चे दिए थे उतनी उम्र में पिता, उसी प्रकार से पिता इन बहनों के जीवन में पिता हम घोषणा करते हैं, आजादी देते हैं पिता, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप अति पवित्र हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, हर एक कराधर के बंधन है, जदुटना के बंधन है, हर शैतान गंदी आत्माओं के, बद्री आत्माओं के, गंदी आत्माओं के बंधन है, गंदी दुष्ट आत्माएं हैं इनके घरों में, इनके शरीरों में वही गंदी दुष्ट आत्माएं बद्री चाले, इनके जीवन से भाग जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, ये मसीह भवन आजाद नहीं पाए, आजादी को रिसीव करने पाए, आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन, आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता भय लगता है प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तेरे सुख की नींद आएगी पिता मेरे प्रभु। मुझे आशा है विश्वास से पिता आपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।